मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको इस नई वीडियो में नया चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरामीटर्स एंड एरिया। पैरामीटर और एरिया, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो फिगर्स दी हुई है वो हमारी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है और सर्कल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस व्हाट इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स लाइक ए फिगर, इट मींस साइड, सम ऑफ साइड। ये सम, इन सभी साइड का जो सम है वो आपका पैरामीटर कहलाता है। इट मींस पैरामीटर इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस राउंड ए क्लोज फिगर। क्लोज फिगर होनी चाहिए, ओपन फिगर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्लोज फिगर्स तो ये हमारा एरिया, सॉरी पैरामीटर, ठीक है। अब हमारे पास एरिया जो है, ये हमारे जो बीच में जो स्पेस है वो हमारा एरिया है। क्या है? एरिया है। देखिए इसकी डेफिनेशन, पैरामीटर्स इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस राउंड ए क्लोज फिगर, ये हमारा पैरामीटर की डेफिनेशन है। क्लोज फिगर एरिया क्या है? ये एरिया है, एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन। एक प्लेन जो है उसका पार्ट है ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर ये इसके अंदर दिया हुआ है, क्लोज फिगर के अंदर जो दिया हुआ है वो इसमें आ गया। यानी कि जो डिस्टेंस है, अभी आपको बताया कि इस प्रकार से ये आपकी एक हो गई, या ये आपका स्क्वायर है, या ये ट्राइंगल है, तो आपका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इनका जो टोटल है, सम है, वो आपका पैरामीटर हो गया। और जो इसके बीच में कवर हो रहा है, ये एरिया ऑक्यूपाइड्स जो है प्लेन के अंदर, वो इसके अंदर, वो इसका एरिया हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर भी ये इसका एरिया हो गया। और जो अगर हम इसकी साइड्स का सम लें तो हमारे पास ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है साइड्स मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, तो हमारे पास क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पैरामीटर हो गया। यहां पर इसको लेंथ, ये लेंथ लेते हैं, ये ब्रिथ लेते हैं, ये भी लेंथ लेते हैं, ये ब्रिथ लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट साइड जो है वो इक्वल होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये इसका पैरामीटर हो गया, बी लेते हैं हम इसको, तो हमारे पास दो एल हो गया, दो बी हो गया, इसलिए टू एल प्लस बी, ये हमारा इसका पैरामीटर लेते हैं। ए इसके अंदर है, सभी साइड ए और ए लेते हैं, ए ये भी ए, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसलिए तो हमारे पास ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये आपका हो गया। तो हमारे पास पैरामीटर क्या हो गया? 4a, ये आपका आंसर। इस प्रकार से इसके अंदर ये आपको करना है। उसके बाद है सर्कल। सर्कल में भी इसी प्रकार से जो कवर है वो आपका एरिया हो गया, और इसकी जो सर्कल के अंदर ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस, या इसको कहते हैं परिधि, हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि। तो डिस्टेंस राउंड ए सर्कुलर रीजन, डिस्टेंस राउंड ए सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड जो है सर्कमफेरेंस, एंड दिस इज सेंटर, सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस आर कॉल्ड रेडियस, ये इसका रेडियस है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसका दिया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसका आप ये देखिए क्वेश्चन जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो इसी प्रकार से हो गया आपके। इसके अंदर दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ ए रेक्टेंगल पीस लैंड, एक लैंड है उसका जो उसकी जो एरिया दिया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है और लेंथ और ब्रिथ उसकी दे रखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन लेंगे, क्वेश्चन नंबर वन, और मान लीजिए ये एक लैंड है, ये इस प्रकार से लैंड है और यहाँ ये एल है और ये बी है, ये 500 दिया हुआ है और ये 300 दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 300 है और ये 500 है और इन सभी को हम ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास पैरामीटर आ गया। और एरिया तो हमारा होता है इनटू एल इनटू बी, ये हमारा होता है दोनों को ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया। तो यहां पर लिखेंगे लैंड, सॉरी लेंथ ऑफ लैंड इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रिथ ऑफ लैंड इक्वल टू 300 मीटर एंड एरिया ऑफ लैंड, ये हमारे पास क्या होगा एल इंटू बी और ये हमारे पास 500 एंड 315 और ये हमारे पास है मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ठीक है। ये क्या हो गया एरिया हो गया। अब यहाँ पर लिखना है कि इसके अंदर दिया हुआ है कि इसकी, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब कॉस्ट ऑफ लैंड दिया हुआ है वन स्क्वेयर मीटर, जो कॉस्ट है वो 10,000 दे रही है तो इसका मतलब है इसका कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वेयर ऑफ लैंड इक्वल टू 10,000 और यहां पर लिखा हुआ 150, ये हो गया लैंड इक्वल टू 150 और ये और इसके बाद हमारे पास 10,000 हो गए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 ठीक है, कितने हो गए 0, 4 और ये 3 ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहां पर ये आपकी कितना जो है वो आपका रुपीज आ जाएगा, इतने रुपीज जो है उसका टोटल पोस्ट आ जाएगी वहां लैंड ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड, इसमें स्फीयर दिया हुआ है, ये स्फीयर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपकी साइड हो गई ठीक है, और साइड में आपको इसमें क्या करना है पैरामीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है 320 ये दिया हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्फीयर 320 ओके, और यहां पर लिखेंगे इसका स्फीयर का पैरामीटर हो गया पैरामीटर ऑफ स्फीयर 4 × साइड रहता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 × साइड और ये दिया हुआ 320 और साइड हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे 80 जो है वो इसका मीटर, ये हमारा जो है साइड आ गया। अब इसमें क्या करें एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है साइड इंटू साइड, ये हो गया तो यहां पर 80 × 80 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है, ये आंसर आपका हो गया। इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट करना है क्लियर।
अब इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड में दे रखा है ए ब्रिथ लैंड है उसका एरिया दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ये दिया हुआ है 22 मीटर ये दिया हुआ है, और ब्रिथ हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, ब्रिथ हमें फाइंड आउट करनी है, एरिया इसका दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर लेंथ इनटू ब्रेथ ये 440 हो गया, और इसमें लेंथ दे रखी है 22 इनटू बी और ये 440, बी हमारे पास कितना था 440 डिवाइड में 22 और ये 20 मीटर आ गया, ब्रेथ कितनी होगी 20 मीटर ये आपका, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो, फाइंड इट्स पैरामीटर, पैरामीटर और निकालना है, तो यहां पर देखिए पैरामीटर ये हमारे पास 2 × L + B और 2L हमारा है 22, बी हमारा है 20 और ये हम टोटल करेंगे तो 2 × 42 आ गया और 84 मीटर ये इसका आंसर, 84 मीटर जो है वो इसका आंसर होगा, ये इसकी आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन 4 इसके अंदर दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल शेप, इसमें पैरामीटर दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ये दिया हुआ है, कितना है 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर लेंथ जो है वो भी दी हुई है, लेंथ ऑफ शेप ये कितनी दी हुई है 35, तो पैरामीटर क्या होता है हमारा, ये है 100 दिया हुआ है, तो यहां पर 2 × L + B और ये हमारे पास हो गया 100 और L हमारे पास दिया हुआ है ये, तो यहां पर 2 × 35 + B और ये हो गया हमारे पास 100 और उसके बाद 35 + B और उसे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 100 डिवाइड बाय 2 आ गया, तो ये हमारे पास 50 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारे पास 35 + B = 50 हो गया और B हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जब इधर आएगा तो बीच में प्लस का निशान है इसलिए इसका माइनस जो है निशान कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस का 35 हो गया और ये हमारे पास 15 मीटर, बी जो है वो हमारी 15 मीटर आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि इस सीट का एरिया भी निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सीट L × B, तो L हमारे पास कितना है, L हमारे पास दिया हुआ 35 और B कितना है 50 और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे 525 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारी बी आ गया, ब्रेथ आ गई है और ये हमारा एरिया, और इसके साथ ये एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।